ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालाजी में वृद्ध महिला के एटीएम से 87,000 रूपए निकालकर एक व्यक्ति रफू चक्कर हो गया। महिला ठगी का शिकार हो चुकी है। इसका पता उसे तब चला जब उसे मालूम हुआ कि उसके खाते से इतने पैसे निकाले जा चुके हैं। इस मामले को लेकर महिला ने ज्वालाजी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। वृद्ध महिला के एटीएम से 87,000 रूपए निकालकर एक व्यक्ति रफू चक्कर हो गया है। महिला ठगी का शिकार हो चुकी है। इसका पता उसे तब चला जब उसे मालूम हुआ कि उसके खाते में इतने पैसे निकाले जा चुके हैं। इस मामले को लेकर महिला ने ज्वालाजी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने भी 420 धारा के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मनोहर लाल चौधरी ने बताया कि ये मामला ज्वालाजी के साथ लगते गुम्बर क्षेत्र की एक वृद्ध महिला के साथ पेश आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने एक कमरा किराए पर एक व्यक्ति को दिया हुआ था जो उनके घर में नौकर का काम करता था। महिला का कहना है कि हमीरपुर के एक व्यक्ति को ये कमरा किराए पे दिया गया था और वह 2-3 महीने से ज्वालाजी में रह रहा था। महिला का कहना है कि इस बीच उनका पूरा विश्वास इस व्यक्ति ने जीत लिया था और कई छोटे बड़े काम आए दिन करता रहता था। उक्त महिला ने यह भी जानकारी दी है कि इस व्यक्ति ने कई बार एटीएम से पैसे निकालकर मुझे भी दिए हैं। महिला का आरोप है कि व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर मेरे एटीएम से 87,000 रूपए निकाल लिए हैं। थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल यशपाल इस मामले की जांच कर रहे हैं। गुम्बर से एक महिला हमारे पास सुत्री देवी जो थी, उसने हमारे पास एक कंप्लेंट करवाई थी कि उसके घर में उसका एक नौकर रहता था और वो नौकर भी था और उसका किराएदार भी था। वो उस पर विश्वास करती थी। उसने अपने एटीएम कार्ड जो थे विद ओटीपी नंबर उनको दे दिए थे और उस आदमी ने कुछ दिन उसके विश्वास में लेकर और दिनांक 24 और 25 को महिला के खाते से करीब 87,000 रुपये उड़ा लिए हैं, जिस पर हमने केस जो है 420 में पंजीकृत कर लिया है और तफ्तीश जारी है और उसकी जो फुटेज हमारे पास मिल चुकी है उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ नहीं आया।